हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्य प्याली। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी हिंदी वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकते हो, वो भी कुछ इजी स्टेप्स में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप अपने हिंदी वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स देते हैं तो ये वीडियो YouTube हिंदी लैंग्वेज में बनने के बावजूद इंटरनेशनल व्यूअर्स को, जो कि हिंदी नहीं समझते, फिर भी उनके सजेस्टिव वीडियोस में शो कराने लगता है। इससे आपके व्यूज़ बढ़ते हैं और व्यूज़ बढ़ने के साथ साथ आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो रात में साउंड ऑफ करके आपका वीडियो देख रहे हैं या जो सुन नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम क्रोम के सर्च बार में उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे जो कि है KAPWING। ये देखिए, ये वेबसाइट ऊपर में आ गया है, आपको सिर्फ एंटर करना है। ये देखिए, ये वेबसाइट खुल गया है। ये वेबसाइट आपको साइन इन करने के लिए कहेगा। आप साइन इन के लिए कंटिन्यू विथ गूगल से भी आप साइन इन कर सकते हैं और कंटिन्यू विथ फेसबुक, आप फेसबुक से भी इस साइट पे साइन इन कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विथ गूगल में क्लिक कर रही हूँ। मैं इस वेबसाइट में अपने गूगल अकाउंट के थ्रू आई हूँ, पर आप अपने चैनल के जीमेल से ना आए, आप इसके लिए जीमेल का एक अलग से अकाउंट बना लें और फिर उस अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर लें। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबटाइटल्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक नया पेज खुल गया है। इस पेज में आपको वो फाइल अपलोड करनी है, वो वीडियो फाइल अपलोड करना है जिस पे आपको इंग्लिश सबटाइटल्स चाहिए। तो चलिए मैं एक फाइल अपलोड कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरी फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ आपको ऑटो जेनरेट पे क्लिक करना है। अब आप इस पेज पे उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करिए जिस लैंग्वेज में आपका वीडियो है। मेरा वीडियो हिंदी में बना हुआ है तो मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर रही हूँ। मुझे वीडियो हिंदी में नहीं बल्कि हिंदी के अलावा मुझे किसी और लैंग्वेज में सबटाइटल चाहिए, तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, यस। अब यहाँ मुझसे मांग रहे हैं कि मुझे कौन से लैंग्वेज में अपने वीडियो पे सबटाइटल्स चाहिए, तो मैं यहाँ इंग्लिश क्लिक कर रही हूँ और फिर ऑटो जेनरेट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात बता दूँ, क्योंकि ये सबटाइटल्स मशीन से जनरेट होते हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये 70-80% ही एक्यूरेट होते हैं, वो भी अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी फाइल प्रोसेस हो गई है। यहाँ पर आप एक बार इस वीडियो को चला लें और चला कर अपने वॉइस के साथ इन सबटाइटल्स को एक बार अच्छे से देख और चेक कर लें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराध्य प्याली एंड आई एम बैक विद अनदर ओपन शॉट ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोअर थर्ड कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने सबटाइटल्स को अपने वॉइस के साथ चेक जरूर कर ले, ताकि कोई करेक्शन हो तो आप उसे साथ ही साथ कर सकते हो।
आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोअर थर्ड कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने सबटाइटल्स का फॉन्ट चेंज करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको फॉन्ट वगैरह, यहाँ पे आप फॉन्ट मिल जाएंगे। और यहाँ से आप फॉन्ट के साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप सबटाइटल्स को ऊपर और यहाँ से नीचे लेके आ सकते हो। आप यहाँ से अपने सबटाइटल्स के टाइमिंग भी चेक करके कम या ज़्यादा टाइमिंग डाल सकते हो। जब आप अपने सबटाइटल्स से उनके फॉन्ट, उनके साइज, सबटाइटल्स के प्लेसमेंट उनसे सेटिस्फाइड हो जाए, तब आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट कुछ ही मिनटों में एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके वीडियो पे कोई भी वाटरमार्क नहीं होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जो सबटाइटल्स हैं ये आपने खुद नहीं बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराध्या प्याली एंड आई एम बैक विद अनदर ओपन शॉट ट्यूटोरियल। मैं अब इसको डाउनलोड करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और उस वीडियो को जिसमें कि अब इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड सेफ।